हेलो बेटा, अज आपां दूजी श्रेणी लई पंजाबी पुस्तक दा पाठ नंबर 3 मन दा डर पढ़ांगे। रात दा समां सी, बालक मोहनदास कमरे विच इकला पढ़ रहा सी। बाहर तेज हवा चल रही सी, हवा नाल कमरे दी लालटेन बुझ गई। मोहनदास ने इधर उधर देखिया, उसनू हनेरे विच कुछ चमकदा दिखाई दिता। उसनू इस तरह लग्या कि खिड़की कोल कोई खड़ा है। मोहनदास ने डर के चीक मारी, पूत पूत। ओहो कमरे विच्चों बाहर वल पच्या। मोहनदास नू बरांडे विच घर दी नौकरानी रंबा मिल पई। उसने पुछया, मोहन की गल है, तू भज क्यों रहा है? रंबा माई पूत, उसने दस्या। रंबा हसन लग पई, मोहन चल मेरे नाल तुर। दोवें कमरे विच आ गए। रंबा ने लालटेन जगाई, मोहन दिखा किथे है भूत? कमरे विच बिल्ली बैठी सी। चमकदी होई चीज बिल्ली दिया अखां ही सन। रंबा ने बिल्ली नूं उत्थों भजा दिता। उत्थे खिड़की कोल कपड़े टंगे हुए सन। हनेरे विच कपड़े हिल रहे सन। इस तरह लगदा सी जिवें कोई आदमी खड़ा होवे। रंबा ने कपड़े परां रख दिते। रंबा बोली, मोहन लै भज गया भूत। मोहनदास नूं पता लग गया कि किधरे कोई भूत नहीं हुंदा। भूत मन दा डर हुंदा है। बच्चियो, की तुसी जानदे हो कि एह बालक कौन सी? पता बेटा कौन सी? इस बालक दा पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी सी। इस बालक नूं हुन असी महात्मा गांधी दे नां नाल जानदे हाँ। तुसी कदे देखिया महात्मा गांधी जी नूं? इन्हां दी तस्वीर देखदे हां आपां। जिहड़े नोटां दी तुसी पैसियां दी चीज़ लै के आने हो ना, तुसी देखो उहदे उपर महात्मा गांधी जी दी फोटो बनी हुंदी है। वेरी गुड। चलो बेटा, हुन कल आपां इस लैसन दा अभ्यास कम करांगे, ठीक है? तो हुन सारे बच्चे अपनी अपनी बुक खोल के लैसन दी रीडिंग करेंगे।